राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के सियासी भूचाल के बीच कैबिनेट विस्तार की सुगबुहाट तेज हो गई है। सुनने में आया है कि सचिन पायलट 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ, ये सूत्रों से पक्की खबर आ रही है कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को सचिन पायलट के साथ 10 मंत्री भी शपथ लेंगे। वही विस्तार से पहले कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की भी चर्चा है। हम आपको बता दें कि परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होना बिल्कुल फाइनल है। कैबिनेट विस्तार में जो नाम सामने आ रहे हैं, जो सबसे आगे है, वो है सूत्रों के मुताबिक राजस्थान मंत्रिमंडल में राजस्थान में कांग्रेस में विजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, वही 3 निर्दलीय संयम लोढ़ा, महादेव खंडेला और मंजू मेघवाल को शामिल किए जाने की बात की जा रही है। जबकि बीएसपी से शामिल हुए राजेंद्र गोड़ा, योगेंद्र अवाना भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार की कैबिनेट विस्तार जल्द होना है और 7 जुलाई की तारीख फाइनल बताई जा रही है। कोरोना की वजह से राज्य में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया था, वही पायलट कैंप के बिल्कुल मुकर हो गया था और उन्होंने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार करना ही नहीं चाहते। पर कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर लिया है और अब वो वापिस आ गए हैं अपनी फॉर्म में। और सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब अशोक गहलोत को जरूरत है उन्हें राष्ट्र की राजनीति में। कांग्रेस इन समय खत्म हो रही है राष्ट्र के तौर पर और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो उस रणनीति को बनाने के लिए उन्होंने अशोक गहलोत को बुलाया है और अशोक गहलोत अब अहमद पटेल का काम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल अहमद पटेल का निधन हो गया था और अब उनकी जगह ले सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। हम आपको बता दें कि बीते साल जुलाई के इसी महीनों के दौरान राजस्थान में सियासी बगावत हुई थी, जिसके बाद सचिन पायलट के साथ उनके 4 मंत्रियों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में कैबिनेट विस्तार कभी भी हो सकता है और 7 जुलाई की तारीख फाइनल हो गई है। 7 जुलाई को सचिन पायलट शपथ लेंगे और 10 से 12 मंत्रियों को जगह मिलेगी। वही कुछ मंत्रियों को परफॉर्मेंस देखकर हटाया भी जा सकता है। 5 मंत्रियों के नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में पायलट खेमे की तरफ से 6 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो पायलट के मुख्यमंत्री है उनमें दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी और वेद प्रकाश सोलंकी के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वेद प्रकाश सोलंकी भी इस समय दिल्ली में है। वेद प्रकाश सोलंकी ने दिल्ली में मुकुल वासनिक से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि आज वेद प्रकाश सोलंकी भी अजय माकन के साथ जयपुर आ जाएंगे। अजय माकन अशोक गहलोत के साथ बैठक कर पूरी रणनीति बता देंगे। हम आपको बता दें कि इस समय गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें आगे की रणनीति क्या करनी है। आलाकमान अपना संदेश सुना चुका है और अब उन्हें पता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। अब आगे क्या करने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।